हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट हाउ टू काउंट रेड ब्लड सेल्स इन अ ब्लड सैंपल यूजिंग हेमोसाइट्रोमीटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज हेमोसाइट्रोमीटर हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स सो दिस इज हेमोसाइट्रोमीटर इसको आप न्योबर्स चैम्बर भी कह सकते हैं काउंटिंग चैम्बर भी कह सकते हैं ये बेसिकली होती क्या है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स दोनों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं ओके okay. इसे अगर आप और से देखें तो इसमें आपको दो पार्ट्स नजर आ रहे होंगे दो साइड नजर आ रही होंगी ये दो साइड्स इन दो साइड्स को हम कहते हैं लेटरल प्लेटफॉर्म ओके और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ये हो गया सेंट्रल प्लेटफॉर्म सो these are lateral platform and here is central platform. Central platform जो होता है वो lateral platform से थोड़ा सा depression की तरफ होता है ये थोड़ा नीचे की तरफ होगा जो आपके पास lateral platform है ये थोड़ा सा समझें थोड़ा upper side पर होगा फिर एक डिप्रेशन होगी जिसमें सेंट्रल platform मौजूद होते हैं यह डिप्रेशन क्या करती है ये सेंट्रल platform को लेटरल platform से सेपरेट कर देती है और इन डिप्रेशन को जो ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है इनको हम ट्रेंच भी कहते हैं और इनको गटर भी कहते हैं ओके okay. इस सेंट्रल प्लेटफॉर्म में आपको एक सिल्वर कलर की लाइनिंग नजर आती है सिल्वर कलर की एक बारीक सी कोटिंग होती है जो आपको नज़र आती है और ये एरिया ये जो सेंट्रल एरिया है ये फर्दर डिवाइडेड होता है टू इक्वल पार्ट्स में ठीक है यहाँ पर भी एक डिप्रेशन होगा सेंटर में और ये जो डिप्रेशन है सेंट्रल डिप्रेशन ये इस पार्ट को इस सेंट्रल पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है जब आप इस, इस लाइट को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो आपको इस सेंट्रल रीजन में इन दो इक्वल पार्ट्स में आपको लाइनिंग नजर आती है इन लाइनिंग को हम ग्रिड कहते हैं तो यहाँ पर चूंकि दो पार्ट्स हैं दो इक्वल पार्ट्स गए इस डिप्रेशन की वजह से तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास दो ग्रिड्स होंगी दो इक्वल ग्रिड्स होंगी तो अब बात करते हैं कवर स्लिप की कवर स्लीप बिल्कुल वैसे ही इसमें भी यूज़ करते हैं जैसे आप बाकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में स्लाइड बनाते वक्त uh, उसे कवर करते हैं स्लाइड बना के अपने जो भी आपका स्पेसिमेन है तो उसको कवर करने के लिए हम कवर स्लिप यूज़ करते हैं तो सेम यहाँ पर भी यूज़ होती है सिर्फ फ़र्क थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है अब वो क्या है इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का इस न्यूबार चैम्बर का इसकी स्ट्रक्चर का अगर इसका आप साइड व्यू देखें ठीक है आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्रंट व्यू हो गया और ये उसका साइड व्यू तो आप साइड व्यू को अगर देखें तो आपको यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं ठीक है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सेंट्रल जो रीजन है वो थोड़ा सा डिप्रेस साइड पर होता है तो यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आ रहे होंगे तो जब हम इस सेंट्रल पार्ट के ऊपर जहाँ हम अपना जो भी सैंपल है ब्लड सैंपल लोड करेंगे लोड करने के बाद जब यहाँ पर हम अपनी कवर स्लिप रखेंगे तो होगा क्या यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप रह जाता है सेंट्रल पार्ट में और कवर स्लिप के दरमियान एक थोड़ा सा गैप रह जाता है इसको इस गैप को हम 0.1 मिलीमीटर मतलब काउंट करते हैं तो ये टोटल 0.1 मिलीमीटर हो गया ये वॉल्यूम हो गया तो इस वॉल्यूम को हम फर्दर कैलकुलेशन में इसको यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं इसको यूज़ करते हुए काउंट करते हैं अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पर मैं आपको डिटेल से इन ग्रिड के बारे में बताती हूँ ओके okay, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस काउंटिंग ग्रिड को जो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास दो काउंटिंग ग्रिड होंगे और जो भी हमने काउंटिंग करनी है रेड ब्लड सेल काउंट करने हैं या हमने वाइट ब्लड सेल काउंट करने हैं तो वो हम इसी रीजन में इस सेंट्रल रीजन में सेंट्रल प्लेटफॉर्म में करेंगे और इन काउंटिंग ग्रिड्स में करेंगे अब ये काउंटिंग ग्रिड क्या होते हैं और इसमें काउंटिंग किस तरह की जाती है ये हम देखते हैं तो आपको जब माइक्रोस्कोप के नीचे आप स्लाइड को रखते हैं तो आपको या हिमोसेट्रोमीटर को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे सेट करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ लाइनिंग नज़र आएंगी एक बड़ा सा स्केयर नज़र आएगा और क्योंकि दो ग्रिड हैं तो आपको दो मतलब स्केयर नज़र आएंगे। अब अगर आप इस स्केयर को देखें तो उसकी अगर हमारे पास डायमेंशन है तो ये थ्री मिलीमीटर ये इसकी डायमेंशन हो गई इसी तरह से ये इसकी विद हो गई ये भी क्या है थ्री मिलीमीटर ओके इस पूरे ग्रिड को इस पूरे पार्ट को हम नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो ये नाइन हमारे पास इक्वल स्केयर्स होंगे जिसमें हमने इस पूरे पार्ट को इस पूरे ग्रिड को डिवाइड किया है इसमें जो ये कॉर्नर वाले ग्रिड होंगे ये फर्स्ट जो कॉर्नर वाले स्केयर हैं फर्स्ट थर्ड इसी तरह से फोर फाइव सिक्स इनको आपने अभी हम नहीं देख रहे तो फर्स्ट थर्ड सेवन एंड नाइन्थ ये जो स्केयर्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए तो ये जो फोर कॉर्नर स्केयर्स आ गए ये वाइट ब्लड सेल्स काउंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ओके अब यहाँ पर आप इस एक पार्ट को देखें इस एक पार्ट को तो आपको ये जो एक बड़ा स्केयर है जो ये कॉर्नर स्केयर है ये आपको एक कुछ छोटे छोटे स्केयर में डिवाइड हुआ नज़र आ रहा है अब ये क्या है ये लार्जर स्केयर जो स्क्वेयर है हमारे पास इसको हम फर्दर सिक्सटीन स्केयर में डिवाइड कर देते हैं वन टू थ्री फोर और इस तरह से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टर्टीन फोटीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तो इसी तरह से सिक्सटीन स्मॉलर स्केर इधर हो गए इस सेवन में और नाइन में तो ये जो स्केयर हैं इनके अंदर जो सेल्स होंगे वाइट ब्लड सेल्स वो हम काउंट करेंगे लेकिन आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो रेड ब्लड सेल काउंटिंग का है तो रेड ब्लड सेल काउंटिंग के लिए हम ये जो सेंट्रल आपको एरिया दस रहा है हम ये यूज़ करेंगे बाकी जो स्केयरस हैं उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे वो डब्ल्यू काउंटिंग के लिए हैं और ये जो सेंट्रल स्केयर है ये हम आज स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे और इसी को ही हमने यूज़ करना है फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट में ओके okay. अब ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील हो रहा होगा बाकी के इन स्क्र से वहाँ पर आप देखें तो आप आपको यहाँ पर सिक्सटीन स्मॉलर स्केर मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आपको सिक्सटीन स्मॉलर स्केर नज़र नहीं आएंगे बल्कि यहाँ पर आपको ट्वेंटी फाइव स्केयर नज़र आएंगे जैसे अब मेरे साथ काउंट करें आप वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव इस लाइन में फाइव इस तो ये टोटल जो आपके पास हैं यहाँ पर ट्वेंटी फाइव स्क्र्स आ गए ओके अब जब इसको आप मज़ीद जूम करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये जो एक स्केयर है ये फर्दर डिवाइड किया गया है छोटे छोटे स्केयर्स में जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये हमारे पास सिक्सटीन स्केयर्स हो गए तो अब इसको किस तरह से आप सिम्प्लीफाई करेंगे कि ये जो सेंट्रल लार्ज स्केयर था उसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं इनटू ट्वेंटी फाइव स्मॉल स्केयर्स में ठीक है फिर वो जो 25 फाइव ईच जो स्केयर है इसमें वो फर्दर डिवाइड होगा इन टू सिक्सटीन में अब इसमें एक डिफरेंस चेक करें वो डिफरेंस ये है कि बाकी की जो आपको यहाँ पर ये लाइंस नजर आ रही हैं ये इनको आप देखें तो ये सिंगल लाइन है ये कॉर्नर में जो जिसको आप वाइट ब्लड सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं स्केयर्स को तो यहाँ पर देखें आपको सिंगल लाइन नजर आ रही है जबकि इस सेंट्रल स्केयर में आपको सिंगल लाइन नजर नहीं आ रही बल्कि इन ट्वेंटी फाइव को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको थ्री ट्रिपल लाइन्स नजर आएंगी तो ये ट्रिपल लाइन क्या करती हैं इस लार्जर स्केयर को ट्वेंटी फाइव स्मॉलर स्केयर में डिवाइड कर देती हैं ओके और जब सबसे एक स्मॉल स्केयर को आप लें उस ट्वेंटी फाइव स्केयर में से किसी भी एक स्केयर को आप लें और वो डिवाइड हो चुका है फर्दर सिक्सटीन स्केयर में तो यहाँ पर आपको ये सिंगल लाइन नजर आ रही होंगी तो ये जो सिक्सटीन स्केयर्स हैं ये सिंगल लाइन में शो हो रही होंगी तो इसी तरह से एक दूसरा ग्रिड भी होगा दो ग्रिड आप दोनों ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं चार्ट अपना सैंपल लोड करने के लिए और उसको फर्दर अपने ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए तो जैसे हमने इस पूरे ग्रिड को स्टडी कर रहे थे और तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट है ये थर्ड है मतलब ये जो कॉर्नर वाले हैं सेल्स स्क्वेयर्स हैं तो इनको हम यूज़ करेंगे फॉर डब्ल्यू बी सी काउंटिंग तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा रीजन है ये जो एरिया है जो आर के लिए यूज़ किए करेंगे तो इसमें क्या सारे के सारे cells यूज़ करते हैं हम काउंटिंग के लिए या इसमें भी कुछ स्कीयर्स होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं तो इनमें कुछ स्कीयर्स होते हैं सारे स्केयर्स इन्वॉल्व नहीं होते इसमें भी ये जो हमारे पास ये जो ये मैं टिक कर रही हूँ तो ये जो कॉर्नर वाले स्कीयर्स हैं ये यूज़ करेंगे और ये जो सेंट्रल स्केयर है इसको यूज़ करेंगे तो ये सो फर्स्ट थर्टीन ये ट्वेंटी ये फाइव तो ये पांच स्केयर्स होंगे जो हम यूज करेंगे रेड ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए ये बाकी के जो स्क्स हैं ये बाकी के स्क्र्स यूज नहीं होंगे ये सिर्फ फाइव स्केयर्स आपने इनमें सेल्स को देखना है यहाँ पर सेल्स हैं तो आप उसको काउंट करेंगे ओके डियर स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं इसका प्रोसीजर कि किस तरह से हम रेड ब्लड सेल काउंट करते हैं बाई यूजिंग न्यूबारस चैम्बर और हिमोसाइट्रोमीटर तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए न्यूबार्स चैम्बर या हिमोसाइट्रोमीटर, आर बी सी डायलेंट पाइपेट अब ये आर बी सी डायलेंट पाइपेट तो आपको इस तरह से नज़र आएगी ठीक है यहाँ पर एक बल्ब होते हैं ये पार जो हो गया बल्ब और इस बल्ब के अंदर ये छोटा सा बीड रेड कलर का जो बीड है वो आपको नज़र आ रहा है ये बीट क्या करता है ये आपका जो सैंपल है ब्लड सैंपल उसको डायल्ट के साथ जो आर बी सी डायलेंट हम यूज़ करेंगे उसके साथ इसको मिक्स कर देते हैं और ये उसका पार्ट हो गया दैट इज़ पार्ट यहाँ पर आपको कुछ वॉल्यूम भी नज़र आ रहे होंगे कुछ मार्क नज़र आ रहे होंगे जीरो पॉइंट फाइव वन एंड जीरो वन ज़ीरो वन ओके तो ये आ, इन मार्किंग को आपने ध्यान में रखते हैं जब भी हम आ, आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि जीरो पॉइंट फाइव तक हमने ब्लड लेने हैं फिर हमने कितने वॉल्यूम तक आगे डायलेंट लेने हैं तो ये होगी आर बी सी डायलेंट पाइप पाइपेट जो यूज़ करेंगे अल्कोहल स्वैप एक अनयूज स्प्रिंज आप लेंसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिक करने के लिए आर बी सी डायलेंट आप अपने सैंपल को डायलोड करने के लिए ग्लव्स एंड टिश्यू पेपर तो ये हो गया हमारा इक्विपमेंट हमारा मटेरियल जो हम इस पूरे प्रोसीजर के लिए यूज करेंगे अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने एक अल्कोहल स्वैब लेना है और अपने फिंगर को अच्छे से आपने उसको साफ कर लेना है अच्छे से साफ कर लें फिर आपने लेनी है एक अनयूज फ्रेंच लेनी है और आपने अपनी फिंगर को इससे प्रिक करना है तो इस तरह से एक ब्लड का ड्रॉप आएगा ओके okay. नेक्स्ट में आप क्या, क्या करेंगे नेक्स्ट में आपने करना है आरबीसी जो पैफेट थी आपने इस आरबीसी पैफेट को लेना है और इसकी जो टिप है इस टिप को आपने ब्लड के करीब लेके जाना है तो कैबरी एक्शन से जो आपका ब्लड है वो इसके अंदर सक हो जाएगा एंटर हो जाएगा ओके अब यहाँ पर आपने एक चीज में एहतियात करनी है और वो ये कि जो आपका ब्लड है वो जीरो पॉइंट फाइव से आगे चला जाता है जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वो जीरो पॉइंट फाइव मार्क से आगे चला गया हमें नहीं चाहिए हमें कितने मार्क तक चाहिए हमें पॉइंट फाइव तक चाहिए तो इसमें क्या होगा जो बाकी का एक्स्ट्रा ब्लड है वो आप उसको वापस ब्लो आउट कर देंगे तो वो किस ब्लॉट करेंगे ओके okay, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने जो आर बी सी डायलेंट है ये मैंने आर बी सी डायलेंट ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो आपने आर बी सी डायलेंट से इसको वन जीरो वन मार्क तक फिल कर लेना है तो ये हमारे पास ब्लड सैंपल आ गया ठीक है नेक्स्ट में आपने क्या करना है आपने इसको हॉरिजेंटल पोजिशन में इस तरह से इसको बंद करते हुए कि यहाँ से सैंपल जो है वो बाढ़ना चला जाए तो आपने इसको अपने हाथ पे रखना है और इसको आपने स्लाइटली रोटेट करना है अब इस रोटेट करने से क्या होगा इससे ये होता है कि जो आपका सैंपल था ब्लड सैंपल था वो उस आरबीसी डायलेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और इस मिक्स करने के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर छोटा सा रेड कलर का बीट होता है तो वो बीट क्या करता है बीट की मूवमेंट से जो आपका सैंपल है ब्लड सैंपल वो आरबीसी डायलेंट के साथ मिक्स हो जाएगा ओके तो यहाँ पर मिक्सिंग जैसे ही आपको फील हो कि ओके मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डायलेंट है इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम मतलब डिस्कार्ड कर देंगे हमारे पास हमारा सैंपल आ चुका है तो इसको हमने डिस्कार कर देना है डिस्कार करने के लिए ओके तो ये हमारे पास सैंपल आ गया अब इस ब्लड की जो डाइल्यूशन है वो है टू हंड्रेड टाइम ये ब्लड टू हंड्रेड टाइम तक डाइल्यूट हो चुका है अब टू हंड्रेड टाइम तक कैसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइल्यूशन फैक्टर जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो वो 200 कैसे है तो इसमें आप याद करें कि हमने ब्लड कितना लिया था ज़ीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव मार्क तक ब्लड आ गया फिर हमने उसको फिल किया था वन जीरो वन मार्क तक उसको हमने फ़िल किया डेलोट से फिर हमने कुछ डेलेन्ट जो था वो हमने वापस इसमें से ले लिया जो यूज़ नहीं होना था तो वो समझे कि वन से हमने वो वापस कर दिया तो बाकी रह गया हंड्रेड तो जब आप डिवाइड करेंगे हंड्रेड को ज़ीरो पॉइंट फाइव से तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ टू हंड्रेड तो ये 200 हंड्रेड टाइम डाइल्यूट हो चुका है आपका सैंपल ब्लड और ये ही कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने नेबर को या जो हमारे पास काउंटिंग चैम्बर है इसको हमने प्रिपेयर करना है अब प्रिपेयर किस तरह से करते हैं सबसे पहले आपने एथनलॉल लेना है सेवेंटी परसेंट एथोनल ले लें ले और इसको अच्छी तरह से उसे नीट कर लें साफ कर लें जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है इसके ऊपर स्लाइड भी ऑलरेडी

इसमें इस, इस थोड़े से टाइम से क्या होगा जो आपका ये न्योबार चैम्बर है ये चार्ज हो जाएगा और फिर आपने इसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करना है तो ये हमने रखा माइक्रोस्कोप के नीचे ठीक है तो सबसे पहले तो हमने टेन एक्सेज स्टार्ट लेना है टेन एक्सेज स्टार्ट लेते हुए फोर्टी एक्स जाएंगे और आपने क्या करना है सबसे पहले आपने वो जो ग्रिड एरिया है उस ग्रिड एरिया को फोकस करना है ठीक है कि वो आपको ग्रिड एरिया

और आपने अपने सेल्स को देखना है ओके okay, जहां आपको सेल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे आपने उनको काउंट करना स्टार्ट कर देना है कि आपको कितने सेल्स इसमें नज़र आए हैं हर अपने हर स्क्र को देखना है अपने तमाम स्केयर और वो स्केयर आपको मैंने पहले बताए हैं वो कौन से स्केयर थे कॉर्नर स्केयर फर्स्ट इसी तरह से फिर आप जाएंगे फिफ्थ uh, पर तो आगे थर्टीन पर ट्वेंटी वन पर ट्वेंटी फाइव पर तो वो जो फाइव स्क्वेयर्स मैंने बताए थे तो आपने क्या करना है उन स्केयर्स को आपने सबसे पहले फोकस कर लेना है और उनमें अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और साथ में आपने इनको नोट कर लेना है अब हमारे पास यहाँ पर फाइव सेल्स फाइव स्केयर्स में नंबर ऑफ रेगुलर सेल्स आ गए हैं अब हमने करनी है कैलकुलेशन के और कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे और उस फार्मूले में यहाँ पर जो आपने फाइव स्केयर्स में नंबर काउंट किए हैं उन तमाम नंबर्स को आपने समअप करना है और फिर उसको हम यूज़ करेंगे फर्दर फार्मूले के अंदर ओके डियर स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन इट मीन्स कि हमने जो सेल काउंट किए थे माइक्रोस्कोप के थ्रू तो वो टोटल नंबर कितने हैं हमें मिले हैं uh, कितने रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपके ब्लड सैंपल में मौजूद थे तो अब हम उनको कैलकुलेट करते हैं ओके okay, अब हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग लेट्स सपोज कि जब मैं काउंट कर रही थी तो मुझे इस सेल में मुझे हंड्रेड आर मैंने काउंट किए, हंड्रेड हो गए ओके यहाँ पर मुझे वन ज़ीरो फाइव वन हंड्रेड फाइव मुझे सेल्स नजर आए ठीक है मैंने वो भी काउंट कर लिए यहाँ पर मेरे पास वन टेन हो गए ओके यहाँ पर नाइन्टी फाइव थे यहाँ पर भी मुझे मिल 90 नाइन्टी मिल गए ठीक है ये वो आ, मेरे पास ब्लड सेल्स थे जो मैंने इन स्केल में काउंट किए अब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल जो इन स्केयर्यर्स में मौजूद हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे आप इनको इन तमाम सेल्स को जो मैंने इंडिविजुअली ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप में तो इनको हमने सबसे पहले प्लस करना है ओके तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाते हैं नंबर 500 सेल्स हैं जो इन स्केयर्स में मैंने कैलकुलेट किए ओके तो अब हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए और फार्मूला क्या है नंबर ऑफ सेल काउंटेड जो कि ये हमने काउंट कर लिए हैं सेकंड है इसमें डाइल्यूशन फैक्टर अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या है जो मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि डाइल्यूशन फैक्टर हमारे पास क्या है टू हंड्रेड ओके अब यह फाइव क्या है ये फाइव क्या है ये है वो नंबर ऑफ शेयर्स जिनमें हमने इन सेल्स को काउंट किया है वन टू थ्री फोर फाइव तो ये नंबर ऑफ स्केयर्स हैं जिनमें हमने सेल्स को काउंट किया है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अब वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम जैसे अभी आ, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि वॉल्यूम जो है हमारे पास दैट इज ज़ीरो पॉइंट वन तो फाइव हंड्रेड नंबर ऑफ सेल्स जो यहाँ पर हमें मिले हैं मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड डाइलिशन फैक्ट्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव नंबर ऑफ स्केर्स डिवाइडेड बाई पॉइंट वन दैट इज वॉल्यूम तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर क्या है वो आपके ब्लड सैंपल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स हैं ये वो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास आंसर कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो आपने ब्लड सैंपल दिया उसमें नंबर ऑफ़ टोटल रेड ब्लड सेल्स इतने मौजूद हैं तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल जो कि मिलियन सेल्स बन रहे हैं तो मतलब ये हमारे पास टोटल मिलियन जो सेल सेल हैं ये हो गए पर माइक्रोलीटर ठीक है तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे पास आगे जो हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू काउंट किए हैं डेयर स्टूडेंट ये जो आज का एक्सपेरिमेंट था ये आपके लिए काफी स्किलफुल रहेगा काफी हेल्पफुल रहेगा आर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए उनको डायग्नोज करने के लिए जैसे कि अनीमिया अनिमिया भी एक ऐसी ही आर रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें बॉडी जो है वो हेल्दी आर प्रोड्यूस नहीं करती तो इस तरह के जो आर रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको आर uh, जो नंबर हैं मयर करके काउंट करके हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक